जय साथियों, मैं कमांडो बिन सर। आज से हमारा नया क्लास चालू हो रहा है जो यूपी पुलिस 2022 और एसएससी जीडी 2023 की तैयारी करने वाले हैं लड़के या कर रहे हैं, जो जीरो से अपना रीजनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो है। हम कोशिश करेंगे, डेली हमारा दो वीडियो आएगा, एक तो जो एसएससी जीडी फिजिकल क्वालिफाई लड़के कर चुके हैं, उनका मेडिकल रह गया, डॉक्यूमेंटेशन रह गया है उनके ऊपर, और एक जो बेसिक तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग का, मैथ का, जनरल नॉलेज का, रिटन परीक्षा के लिए उनके लिए आएगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं अपना रीजनिंग, उनके लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, रीजनिंग तब तक आपकी ठीक नहीं हो सकती है जब तक आप अल्फाबेट यानी कि ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर जो होते हैं उनका नंबर जब तक आप नहीं याद कर लेते हैं, उनका अल्फाबेट नंबरिंग जो है एक से लेकर 26 तक यानी कि 1 to 26 तक जब तक आप उसका कितना क्रमांक कितना होता है, सीरियल नंबर कितने पर कौन सा लेटर आता है, जब तक आप नहीं याद कर लेंगे तब तक आप रीजनिंग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बेसिक यही है, आप अगर जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, जो पहले से जिनको पता है उनके लिए नहीं है ये वीडियो, उनके लिए आगे अब एडवांस में आएगा, लेकिन मैं आज जीरो से शुरू कर रहा हूं। जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि रीजनिंग क्या होता है उनको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका रीजनिंग ठीक है और आपका मैथ ठीक है और आपने जनरल नॉलेज वगैरह हिंदी वगैरह तैयार कर लिया तो इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप आराम से एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम चले शुरू करते हैं। ए से लेके जेड तक टोटल हमारा 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 26 लेटर ये जो होते हैं इनका हमको नंबर याद करना है, यानी कहने का मतलब कि अगर हम ए बोलें तो ए का कोड, अगर दूसरे सिंपल भाषा में हम बोले तो ए का कोड हमारा होता है 1, 2 का बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ये हमको याद करना बहुत ही जरूरी है, जब तक ये हमको याद नहीं है तब तक हम रीजनिंग ठीक से नहीं लगा सकते, और अगर एक बार ये याद आपने कर लिया फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बोल दिए एच, एच क्या है, एच का कोड हमारा है, तुरंत हमको याद होना चाहिए कि एच हमारा देखो यहां पर है, तो तुरंत हमको याद होना चाहिए कि ये एच का मतलब 8। के, के का कोड कितना है, के का मतलब हमको 11 यानी कि 11। इसी तरीके से हम बोल दिए वी, वी का हमारा है वी 22। अब इसी तरीके से अगर हम नंबर में लिख दें, जैसे 2 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, अब 1 का हमारा कितना है अल्फाबेट में, ये 1 किसका कोड है, ए का, 5 किसका कोड है, ई का, 6 किसका कोड है, एफ का, 7 किसका कोड है, जी का, और ये एच का। ये हमको एकदम पूरी तरीके से याद होना चाहिए, रट लेना चाहिए एकदम दिमाग में, एकदम मतलब थोड़ा सा भी आपको जोर लगाने की जरूरत ना पड़े, फिर आपकी रीजनिंग जो है बहुत अच्छी चलेगी। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद ये हो गया नंबर, यानी कि ए से लेकर जेड तक का ये नंबर है सबका, जैसे ये बता दिया मैंने, ये नंबर आप याद कर लीजिए। उसके बाद उल्टा, यानी कि विलोम उल्टा, अगर हम बोले ए का उल्टा क्या है, तो ए का जेड है, इधर का शुरुआत ए यहां से शुरू हो रहा, जेड उधर खत्म हो रहा, तो एक तरफ से शुरुआत एक तरफ से खत्म, यानी कि ए जेड। इधर से देखिए, इधर से अगर ए है और इधर से जेड, ये आपस में दोनों उल्टा है,
इसी तरीके से मैंने ये नंबरिंग कर दिया है, इधर से बी, इधर से दूसरे नंबर, इधर से दूसरे नंबर पर बी है, इधर से दूसरे नंबर पर वाई, तो ये हो गया बी वाई। इधर से तीसरे नंबर पर सी है, इधर से तीसरे नंबर पर एक्स है, तो ये हो गया सी एक्स। इधर से चौथे नंबर पर डी है, इधर से चौथे नंबर पर डब्ल्यू है, तो हमारा हो गया डी डब्ल्यू। इधर से हमारा पांचवें नंबर पर ई है, इधर से हमारा पांचवें नंबर पर ये वी है, तो हमारा हो गया ई वी। ये आपको एकदम याद करना पड़ेगा उल्टा। उसके बाद इधर से छठवें नंबर पर एफ है और इधर से छठवें नंबर पर यू है, इधर से सातवें नंबर पर जी है, इधर से सातवें नंबर पर टी है, उधर से, इधर से जब आते हैं तो हमारा उल्टा हो गया कितना, जी टी आपस में उल्टा हो गया, जी का उल्टा टी। आठवें नंबर पर एच है, इधर से आठवें नंबर पर एस है, तो हमारा हो गया एच एस उल्टा आपस में। इधर से हमारा नौवें नंबर पर आई है और इधर से नौवें नंबर पर आर है, तो ये हो गया आई और आर आपस में उल्टा, तो ये आई आर हो गया। इधर से हमारा जेड हो गया, इधर से जेड हमारा दसवें नंबर पर है और इधर से दसवें नंबर पर हमारा क्यू है, तो ये जेड और क्यू आपस में उल्टा हो गया, जेड और क्यू। इधर से हमारा के जो है, के ग्यारहवें नंबर पे आ रहा है और इधर से भी अगर देखेंगे तो ग्यारहवें नंबर पर हमारा पी आ रहा है, तो के पी ये आपस में उल्टा हो गया। उसके बाद यल की बात करें तो इधर 12 नंबर पे यल इधर से आ रहा और 12 नंबर पे ओ इधर से आ रहा है, तो यल ओ ये आपस में उल्टा हो गए। उसके बाद यम, इधर से 13वें नंबर पर यम आ रहा है और इधर से 13वें नंबर पर हमारा आ रहा है यन, तो यम और यन आपस में उल्टा हो जाएंगे। ये है दो चीज आप याद कर लीजिए रीजनिंग शुरू करने के लिए। नंबर एक तो इसका अल्फाबेट जो है ए से लेकर जेड तक उसका नंबरिंग, ए का एक होता है, बी का टू, सी का थ्री, इसी तरीके से जेड तक का आप याद कर लीजिए। उसके बाद फिर आप ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होता है, ये पूरा आप जैसे मैंने बताया इसको आप एक तरफ से ए बी सी डी यहां तक जेड लिख दीजिए, उसके बाद इधर नीचे से ए बी सी डी जेड यहां तक लेके आइए, जो एक दूसरे के नीचे आ रहा वही उल्टा है, ये आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद फिर रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से समझने में आएगा। आज ये हमारा क्लास बेसिक था, जो जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है उनके लिए था, अब आगे से धीरे धीरे डेली ये आपको एडवांस हम बताते जाएंगे। तो हमारे क्लास से आप जुड़िए और आपको हम जब तक एसएससी जीडी का और यूपी पुलिस का आपका पेपर देने का आएगा तब तक हम आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवा देंगे। जय हिंद साथियों, मैं कमांडो बिन सिंह।